नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। माना जाता है कि माँ ने पृथ्वी को असुरों से अत्याचार से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। कहते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की सच्चे मन से पूजा करने पर व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएँ भी पूरी होती हैं। मान्यता के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शंकर का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसके चलते उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान। इस दिन की एक अलग महत्वपूर्णता है क्योंकि नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन माँ को विदा किया जाता है। इस दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद माता की चौकी सजाने का प्रचलन है, जिस पर माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करते हैं। इसके बाद माँ को पुष्प अर्पित करें, माँ को अनार का फल चढ़ाएं, माँ को मिष्ठान, पंचामृत और घर में बनने वाले पकवान का भोग भी लगाएं। इस दिन हवन और कन्या पूजन भी किया जाता है। तो जाना आपने कि कैसे सिद्धिदात्री माता की पूजन विधि और विधान है। आपने अब तक के 9 एपिसोड में जाना कि कैसे प्रत्येक दिन नई माताएं हमें दर्शन देती हैं और उनके अलग अलग स्वरूपों की क्या क्या मान्यताएं हैं।